1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त देश का कुछ तबका अति पिछड़ा था। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए संविधान में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान किया गया, यानी अगले 10 सालों के लिए सरकारी संस्थाओं में रिजर्वेशन को लागू किया गया। आज फिर रिजर्वेशन का इशू न्यूज में है। समझते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। हेलो, मेरा नाम है रमनदीप। मैं हर उस इंपोर्टेंट मुद्दे को कवर करूंगा जो इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हो। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है। आजादी के बाद देश का संविधान बना जिसमें बीआर अंबेडकर का इंपोर्टेंट रोल था। अंबेडकर शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ होने वाली ज्यादती की खुलकर आवाज उठाई और अगले 10 सालों के लिए SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करवाया जो आज तक लागू है। उल्टा 1990 में OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। आज की डेट में टोटल रिजर्वेशन 50% है, यानी सरकारी संस्थाओं में नौकरी के लिए 50% सीटें पहले ही आरक्षित हो जाएगी और बची 50% सीटें जनरल कोटे में जाएगी जिसे कोई भी ले सकता है। रिजर्वेशन यही खत्म नहीं होती, एक बार अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो प्रमोशन का ठेका भी कोटा सिस्टम ही लेगा, बाकी चाहे घिसते रहे। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपकी प्रमोशन पहले होगी। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का फंडामेंटल राइट शामिल है। आर्टिकल 15 और 16 में कुछ विशेष प्रावधान शामिल है, यानी कुछ तबकों को उनकी जनसंख्या के मुकाबले रिजर्वेशन दी जाएगी। 1990 में जब OBC को रिजर्वेशन मिली थी तो बहुत हंगामा हुआ था, एक दो ने तो अपने आप को आग भी लगा ली। बट आपको पता है कि सरकार अपना वोट बैंक कभी भी नहीं छोड़ती, चाहे कोई मरे या सड़े। 2024 में भी वही हाल है। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से बस एक ही रट लगाए बैठे हैं, रिजर्वेशन रिजर्वेशन और रिजर्वेशन। राहुल गांधी को पता है कि रिजर्वेशन का मुद्दा उठाकर वो देश की 60-70% पॉपुलेशन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और दूसरी साइड उनका परमानेंट मुस्लिम वोट बैंक भी हर्ट नहीं होगा। यानी राहुल गांधी आजकल नहले पर दहला खेल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जातिगत मतगणना होनी चाहिए और रिजर्वेशन का 50% की जो कैप है उसको बढ़ाकर 80% कर देना चाहिए। खैर, ये तो घटिया राजनीति की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक डिसाइड किया है कि क्रीमी लेयर अब SC ST रिजर्वेशन में भी लागू होगी जो पहले सिर्फ OBC में लागू थी। मतलब जो रिजर्वेशन का फायदा ले चुके हैं वो बाहर होंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया और सही फैसला है। आज की डेट में लीडर्स को ध्रुवीकरण की ओर नहीं जाना चाहिए। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना।